Now next C program again based on number system convergence means plus a number system convergence manage किस form में करें दा form of string or array of characters. इस case में जैसे perform कराना how to converting any octal integer into equivalent binary representation. जैसे required case क्या है इस case में octal to binary convergence. Suppose that अगर आपके पास कोई भी octal number available octal के case में जैसे base क्या रहता base 8. इसको convert किस form में कराना है into equivalent binary number. Binary के case में base क्या होता है always 2. इस फाइनली आपका सा अवेलेबल बेस क्या है बेस 8 कन्वर्ट किस में कराना इनटू इक्विवेलेंट बेस 2. बेस 2 के रिस्पेक्ट में जस्ट टू सिंबल्स पॉसिबल होंगे 0 एंड 1. क्लियर. इस केस में ऑक्टल नंबर को मैं स्टोर कराऊंगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. रीजन अगर आप इंटीजर्स के फॉर्म में ऑक्टल या बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हो तो इंटीजर के केस में आपको बता दूं सी लैंग्वेज के केस में 16 बिट कंपाइलर में इंटीजर का साइज क्या है जस्ट 2 बाइट्स. मैक्सिमम रेंज क्या है 65535 और इन पॉजिटिव इन केस ऑफ साइंड रिप्रेजेंटेशन साइंड के केस में मैक्सिमम रेंज क्या है 32767. तो इस केस में अप टू 5 बिट तक के बाइनरी नंबर स्टोर करना पॉसिबल. इसलिए मैंने इस केस में इनपुट में से ऑक्टल नंबर को भी रीड किस फॉर्म में कराऊंगा स्ट्रिंग के फॉर्म में जिससे आपके लिए किसी भी रेंज का नंबर रीड डाउन करना पॉसिबल. सेम एज बाइनरी नंबर भी किस फॉर्म में स्टोर करा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. इसे इनपुट भी किस फॉर्म में लेंगे स्ट्रिंग के फॉर्म में और आउटपुट भी किस फॉर्म में कराएंगे जनरेट करें स्ट्रिंग के फॉर्म में. इस फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ कैरेक्टर एरे. आर्गुमेंट में क्या पास करो आल्सो कैरेक्टर. सबसे पहले चेक करें इसके लॉजिक्स. लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में बात करें जनरली ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन डायरेक्टली पॉसिबल है क्योंकि किसी भी ऑक्टल डिजिट की बात करें तो ऑक्टल डिजिट्स क्या है पॉसिबल. ऑक्टल डिजिट्स आर ऑक्टल के केस में बेस क्या है 8. तो इस केस में टोटल डिस्टिंक्ट डिजिट्स कितने ओनली 8 डिजिट्स. 8 डिजिट्स आर 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. किसी भी ऑक्टल डिजिट को जब बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो सेम ऑक्टल नंबर बाइनरी के कितने डिजिट्स ऑक्यूपाई करता है 3 बिट्स. क्लियर. तो इस केस में जस्ट अगर आप इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर राइट करोगे डिजिट टू डिजिट ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन डायरेक्टली पॉसिबल है. इस 0 को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करें 0 का बाइनरी नंबर क्या होगा 0 लेकिन 3 बिट्स में इसको राइट डाउन कैसे करेंगे 0 0 0. इंपोर्टेंट कैसे कहेंगे इसी बेसिस पर जस्ट अभी प्रोग्राम्स के लिए लॉजिक्स इंप्लीमेंट करें. नेक्स्ट वन सिमिलरली 1 इटसेल्फ क्या है आल्सो बाय मींस 0 और 1 देखा जाए तो ऑलरेडी क्या बाइनरी डिजिट्स. तो इस केस में तो कोई कन्वर्जन करने की नीड ही नहीं है. 0 और 1 का बाइनरी नंबर क्या होता है 0 एंड 1. लेकिन 1 को 3 बिट्स में राइट डाउन करने के लिए यूज क्या करेंगे 0 0 1. सेम एज 2 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है एग्जैक्टली 1 0 लेकिन 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐड करा हुआ 0. 3 के रिस्पेक्ट में बाइनरी क्या है 1 1 3 बिट्स रिप्रेजेंटेशन 0 1 1. सेम एज 4 के केस में बाइनरी नंबर क्या है 1 0 0. इस केस में नेक्स्ट 5 5 का बाइनरी क्या है 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1. हो सकता है आपके माइंड में कंफ्यूजन हो भाई ऑक्टल डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड इन 3 बिट्स ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. मींस जब किसी भी ऑक्टल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो टोटल बिट्स कितने रिकॉर्ड हैं 3 बिकॉज इस केस में कोई भी डिजिट मैक्सिमम सॉरी कोई भी ऑक्टल डिजिट मैक्सिमम कितनी बार बिट्स ऑक्यूपाई कर रहा 3 बाइनरी बिट्स. तो इसलिए मैक्सिमम बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए 3. क्लियर. नेक्स्ट इस केस में जस्ट आप परफॉर्म क्या कराओगे जो भी आपके पास ऑक्टल नंबर है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ऑक्टल नंबर अवेलेबल लाइक है 257 लाइक दैट और 512 512 जस्ट कन्वर्ट किस फॉर्म में कराना 512 अवेलेबल किस फॉर्म में बेस 8 कन्वर्ट किस में कराना इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी मींस बेस 2. इस केस में सिंपली आपको क्या करना है जो भी ऑक्टल डिजिट्स हैं ऑक्टल डिजिट्स के केस में लेफ्ट टू राइट जस्ट इसके इक्विवेलेंट 3 बिट रिप्रेजेंटेशन राइट डाउन करें इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. सबसे पहले 5 के लिए मींस लेफ्ट टू राइट सबसे पहले क्या है 5 5 का इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट क्या है सॉरी बाइनरी डिजिट क्या है 1 0 1. नेक्स्ट वन नेक्स्ट बिट क्या है अगेन 1 मींस ऑक्टल क्या है 1 और 1 का बाइनरी क्या है 0 0 1. इस 1 के लिए राइट डाउन क्या कराएंगे 0 0 1. नेक्स्ट ऑक्टल डिजिट क्या है 2 2 के रिस्पेक्ट में बात करें तो 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 1 0. तो नेक्स्ट टाइम राइट डाउन क्या करें 0 1 0 सीधा इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. मींस फाइनली इस केस में बाइनरी नंबर क्या है इसका 1 0 1 0 0 1 0 1 0. क्लियर. इस स्टाइल से किसी भी ऑक्टल नंबर को डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट करना पॉसिबल है. इस केस में जस्ट प्रोग्रामेटिकली इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो प्रोग्रामेटिकली सेम के सेकंड राइट डाउन करो. सपोज दैट आपके पास नंबर क्या है 5 7 3 दिस इज द
ऑक्टल नंबर, तो जस्ट प्रोग्राम्स के फॉर्म में इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी इनपुट है इसको आप नेम दोगे इनपुट, तो इनपुट किस फॉर्मेट में स्टोर कराएं, इन द फॉर्म ऑफ एरे। ये इनपुट को स्टोर करने के लिए जस्ट क्रिएट क्या करेंगे, ऑक्टल एरे से, एरे का नेम क्या है जस्ट ओ, लाइक दैट। फर्स्ट वन इनपुट, इनपुट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट प्लेस पर आसानी क्या हो जाएगा कैरेक्टर 5, नेक्स्ट प्लेस पर स्टोर क्या होगा कैरेक्टर 7, कैरेक्टर 3, देन फाइनली स्ट्रिंग टर्मिनेट किससे हो, नल कैरेक्टर से, बिगिनिंग इंडेक्स क्या 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, क्लियर। नेक्स्ट वन, दिस इज द इनपुट, इसे इनपुट को कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, इक्वलिंग टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। आप इस केस में परफॉर्म क्या कराओगे, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन स्टोर कराने के लिए एक और सेपरेट एरे क्रिएट करेंगे, जब बाइनरी एरे, एरे का नेम क्या है बी, लेकिन इसके अंदर डिजिट्स किस फॉर्म में स्टोर होंगे, बाइनरी फॉर्म में 1 और 0। तो जस्ट इसके साथ इंप्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या कराएंगे, जो भी ऑक्टल एरे अवेलेबल है ऑक्टल एरे के डिजिट्स 1 by 1 क्रिएट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ऑक्टल एरे के अंदर फर्स्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 का इक्वेलेंट बाइनरी क्या है 101, तो इक्वल मीन्स 5 का इक्वेलेंट 101 आसानी किसमें करा लेंगे, बाइनरी एरे में। तो बाइनरी एरे में आसानी कॉपी क्या कराओगे 1, कैरेक्टर एरे इसलिए 101 भी स्टोर किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स 101। नेक्स्ट टाइम ऑक्टल एरे का सेकंड डिजिट विजिट करेंगे, देन नेक्स्ट टाइम सेकंड डिजिट में क्या 7, तो 7 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है जस्ट 3 times 1, तो 3 times 1 अगेन जो एग्जिस्टिंग बाइनरी एरे, इसी एग्जिस्टिंग बाइनरी एरे में कॉन्जुगेट क्या करा लोगे, नेक्स्ट 3 binary digits, मीन्स इसके साथ परफॉर्म क्या हो रहा है एवरी टाइम कॉन्केटिनेट ऑपरेशंस और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशंस। देन नेक्स्ट टाइम डिजिट क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑक्टल डिजिट, नेक्स्ट ऑक्टल डिजिट क्या 3, 3 का इक्विवेलेंट सर्च क्या करोगे बाइनरी नंबर, और 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट्स क्या 0, 1, 1, लेकिन जब इस बाइनरी एरे कैरेक्टर एरे में स्टोर कराएं तो 0, 1, 1 किस फॉर्म में स्टोर होंगे कैरेक्टर्स के फॉर्म में। तो अगेन जो प्रीवियस डेटा आपने राइट डाउन किया उसी के एंड में बार बार आपको न्यू बाइनरी डिजिट्स को अपेंड कराना है, इसके इसमें अपेंड करने के इसमें ऑपरेशन कौन से यूज करें, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशंस प्लस, इस केस में जब भी मैं ये ऑपरेशंस परफॉर्म कराऊंगा तो इस केस में जस्ट इसको यूज क्या कर सकते हो या कंसीडर करोगे एज अ स्ट्रिंग्स, क्यों स्ट्रिंग के अंदर ही डिजिट्स कंसीडर होंगे या बाइनरी नंबर्स, क्लियर, और कैरेक्टर्स। देन नेक्स्ट टाइम क्या स्टोर होगा 0 character 1 character 1 character 1, क्लियर। नेक्स्ट टाइम क्या है नल, तो इस केस में जस्ट इस प्लेस पर लास्ट प्लेस पर अपेंड किया जाए नल, दिस इज द इक्विवेलेंट रिजल्ट। मीन्स इस टाइप से जस्ट प्रोग्रामेटिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करना पॉसिबल, काफी इजी केस है। प्लस इस केस में ऑक्टल के केस में पॉसिबल डिजिट्स कितने हैं 8 digits, तो इस केस में जस्ट ऑक्टल के डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स, मीन्स किस केस में कौन सा बाइनरी वैल्यू अपेंड कराना है ये डिसाइड किसके बेस पर करूँ, ऑक्टल डिजिट के वैल्यूज के बेसिस पर। ऑक्टल डिजिट्स को भी यहाँ मीन से ऑक्टल डिजिट्स भी प्रोग्राम के अंदर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होना, कैरेक्टर्स के फॉर्म में, लाइक दैट। तो इस केस में एवरी टाइम लेफ्ट टू राइट ऑक्टल एरे को स्कैन करेंगे प्लस चेक करेंगे करेंट वैल्यू, जो भी करेंट वैल्यू है उसका इक्विवेलेंट स्ट्रिंग आप अपेंड किस में कराओगे, बाइनरी एरे। स्ट्रिंग को अपेंड कराने के लिए कॉन्केट करने के लिए जस्ट यूज क्या करूँ, लाइब्रेरी फंक्शन strcat, देन इस लॉजिक के बेसिस पर आपके लिए प्रोग्राम इजीली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है। जस्ट इस केस में फंक्शन क्रिएट करा, इसे रिटर्न क्या हुआ दिस बाइनरी एरे, आउटपुट में रिटर्न क्या कराओ बाइनरी एरे, बाइनरी एरे का टाइप क्या है कैरेक्टर एरे, इसलिए रिटर्न टाइप यूज करेंगे कैर स्टार, फंक्शन नेम है। जस्ट किस टाइप का कन्वर्जन परफॉर्म करा, ऑक्टल टू बाइनरी, इसलिए फंक्शन नेम यूज करें इस केस में ऑक्ट टू बिन। आर्ग्यूमेंट टाइप क्या अप्लाई करें इस केस में कैर स्टार, प्लस ये इनपुट में क्या पास होगा ऑक्टल एरे, क्लियर। इसे मेन फंक्शन से सप्लाई करो कॉलिंग प्लेस से। नेक्स्ट फर्स्ट वन इस केस में आपको डिक्लेरेशन किसके लिए, मीन न्यू एरे क्या क्रिएट करना है ऑक्टल एरे है जाए, आर्ग्यूमेंट पास होगा आपको न्यू रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए न्यू एरे क्रिएट करना होगा बाइनरी एरे। बाइनरी एरे के केस में सिंपली राइट डाउन किया कैर बी, मैक्सिमम साइज यूज किया इस केस में सम 100, क्लियर। नेक्स्ट टाइम एरे के केस में 1 by 1 सारे के सारे एलिमेंट रीड होंगे, सबसे पहले 0 index, नेक्स्ट 1 index, नेक्स्ट 2 index, नेक्स्ट 3, लाइक दैट। इसके साथ इंडेक्स को मैनेज करने के लिए यूज क्या करेंगे इंटीजर आई। नेक्स्ट वन इसके उसमें जस्ट आई के थ्रू परफॉर्मेंस लॉजिक, सिंपल लॉजिक से कुछ है ही नहीं इसके इसमें, जैसे जो भी आपका ऑक्टल एरे, ऑक्टल एरे के सारे डिजिट बिगिनिंग से लेकर नल तक आपको स्कैन करना, तो उसको स्कैन करने के लिए रीड करने के लिए जस्ट इंप्लीमेंट क्या करेंगे लूप। लूप के केस में आएगा इनिशियलाइजेशन किससे हुआ इक्वल्स टू 0, देन कब तक चलाना है जब तक ऑक्टल एरे के अंदर आईथ पोजीशन में आपको नल नहीं मिल जाता, जैसे ही नल मिलेगा ये ऑपरेशन स्टॉप हो जाएंगे। एवरी टाइम आई में परफॉर्म क्या हुआ इंक्रीमेंट वाई 1। नेक्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर केस में
सेम प्रोग्राम को मैं अगेन फिर से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, क्लियर। इस टोटल केस में इनपुट में क्या पास हुआ, ऑक्टल एरे। ऑक्टल एरे के केस में टोटल में 3 डिजिट सप्लाई करा, ओनली 3 डिजिट्स, टेस्ट करने के लिए सफिशियंट है। फर्स्ट केस में क्या है, समथिंग 6 2 5। वन मोर केस स्पेशली याद रखना, इस केस में 8 या 9 स्टोर नहीं होना चाहिए। जैसे इस केस में इनवैलिड डिजिट फाउंड होता है, देन इमीडिएटली ऑपरेशन स्टॉप कर दो। अगर 8 या 9 फाउंड होता है, देन इस केस में कंसीडर करेंगे इनवैलिड ऑक्टल डिजिट्स। जस्ट इस एरे का नेम क्या है, ओ इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट जस्ट क्रिएट क्या कराना, न्यू बाइनरी एरे बी। इस बाइनरी एरे बी में स्टोर क्या कराएंगे, रिजल्ट्स। दोनों ही एरे का टाइप क्या है, कैरेक्टर इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, क्लियर। टोटल साइज क्या है इसका, 100। इस तरह से सबसे पहले क्रिएट किया टू एरे, प्लस इसके अलावा एक और वेरिएबल क्या मैनेज करो, इसके इसमें सम वेरिएबल एज आई। तो आई को जस्ट मैं साइड में क्रिएट करा लेता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस इस द आई। जब ये लूप एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है, जस्ट 0, क्लियर। देन टेस्ट होगा ओ ऑफ 0, और ओ ऑफ 0 में जस्ट स्टोर क्या, ओ ऑफ 0 मीन्स ऑक्टल एरे के अंदर 0th इंडेक्स में क्या है, 6। 6 का आस्की वैल्यू क्या है, आई थिंक 54। तो इसके समय इससे मतलब नहीं, 6 का आस्की वैल्यू कैसा, नॉन जीरो। तो कंडीशन कैसा, ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के इसमें एविडेंस जो भी डिजिट रीड किया है, डिजिट को मैनेज करने की पॉसिबल डिजिट्स कितने हैं, 8। तो इन 8 डिजिट्स के रिस्पेक्ट में जस्ट मैनेज क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट, मीन्स लूप के अंदर जस्ट अप्लाई क्या करोगे, स्विच। और स्विच के अंदर सप्लाई क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई। और ए ऑफ आई इस केस में किस टाइप का आर्गुमेंट है, जस्ट कैरेक्टर, क्योंकि ए ऑफ आई इंडेक्स में 6 स्टोर है कैरेक्टर्स की फॉर्म, 2 भी किस फॉर्म में, कैरेक्टर्स। फाइनली स्विच के अंदर सप्लाई क्या करें, कैरेक्टर्स। तो कंपेरिजन मीन्स केस के अंदर लेवल भी किस फॉर्मेट में मैनेज करें, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। फर्स्ट केस में पॉसिबल लेवल्स कितने होंगे, 8 लेवल्स, 0। अगर ए ऑफ आई का वैल्यू 0 है, अभी करंट केस में 6 है, सपोज इट पॉसिबल मीन सारे के सारे केस में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ अप टू 7। अगर केस 0 है, देन इस केस में बाइनरी एरे में जस्ट कॉपी क्या कराना आपको, 3 times 0, नॉट कॉपी, अपेंड ऑपरेशंस। जस्ट इस केस में राइट डाउन क्या करेंगे, str स्पेस का, मैं इसलिए मैं जस्ट सेम प्लेस पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, strcat। आप लाइब्रेरी फंक्शन भी यूज कर सकते हो, अपना खुद का यूजर डिफाइंड फंक्शन भी क्रिएट करना पॉसिबल है। मीन्स कॉन्केटली नेशन किस तरह से परफॉर्म कराते हैं, लॉजिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। strcat डेटा कॉपी किसमें कराना है, बाइनरी एरे बी, क्लियर। नेक्स्ट वन आपको पता होना चाहिए इसे एरे के, सॉरी वन मोर केस, इस केस में एरे का टाइप क्या लोगे, स्टैटिक। रीजन, क्योंकि ऑटो टाइप के एरे का अगर आप एड्रेस नहीं कराओ, तो एड्रेस नहीं होने के जस्ट बाद ये एड्रेस कैसा हो जाएगा, डैंगलिंग। इसलिए लोकेशन रिजर्व्ड होना चाहिए, इसलिए यूज़ क्या करेंगे, स्टैटिक एरे। स्टैटिक के केस में सारे लोकेशन बाई डिफॉल्ट इनिशियलाइज कैसे हो जाए, नल, मीन सभी प्लेसेस पर स्टोर किया 0 और नल। फर्स्ट टाइम बी के अंदर, बी 0 इंडेक्स में क्या स्टोर है, ऑलरेडी नल। और आप चाहो तो उसको मैनुअली इनिशियलाइज कर सकते हो इन अदर केसेस लाइक दैट। इस केस में फर्स्ट पोजिशन में क्या स्टोर है, नल। तो इस केस में कॉन्केटिनेशन किस इंडेक्स से स्टार्टिंग, फ्रॉम नल इंडेक्स, और नल का इंडेक्स क्या है, 0। जी फर्स्ट टाइम स्पेस पर आप कॉपी क्या कराओ, इससे नल से मतलब नहीं, अभी तो आपको 0 से हो रहा है, लेकिन करंट 0, फर्स्ट डिजिट 0 है क्या, नहीं। टोटल मैं केस इमेजिन कर रहा हूँ इस केस में, इसके जस्ट बाद मैं एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करूँ, पहले सारे केस इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अगर इस पर्टिकुलर केस में ए ऑफ आई के अंदर 0 फाउंड हो रहा है, 0 मीन्स ऑक्टल डिजिट, अगर 0 होता है, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट क्या आसान कराओगे, 3 times 0, क्लियर। यानी ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के जस्ट बाद आपको परफॉर्म क्या कराना है, ब्रेक स्टेटमेंट, मीन्स स्विच स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करने के लिए यूज क्या कर लेंगे, ब्रेक, क्लियर। मीन्स आप चाहते हो इन तीनों स्टेटमेंट को 3 सेपरेट लाइन में राइट डाउन कर सकते हो, मैंने इस स्पेस की वजह से मैंने सेम लाइन में इंप्लीमेंट किया। अगर आप सिंगल लाइन में भी राइट करो, उससे कोई एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम सेकंड केस क्या रहेगा, जस्ट केस वन। केस वन अगर ए ऑफ आई का वैल्यू केस वन से मैच होता है, कैरेक्टर मीन्स अगर ए ऑफ आई के अंदर 1 स्टोर है, कैरेक्टर 1 है, देन उस केस में 1 के रिस्पेक्ट में कॉन्केटिनेट क्या कराओगे, सेम एरे बाइनरी एरे में कॉन्केटिनेशन परफॉर्म। इस केस में कॉन्केटिनेट क्या कराएंगे, बाइनरी वैल्यू ऑफ 1 विच इज 0 0 1। कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट करना, 3 बाइनरी बिट्स। देन अगेन अप्लाइंग ब्रेक स्टेटमेंट।
सिमिलरली केस टू के रिस्पेक्ट में अगेन स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन बी देन 0010 व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ टू टू के केस में थ्री बिट्स में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 010 देन अगेन क्लोज दिस स्टेटमेंट इस ब्रेक नेक्स्ट टाइम केस थ्री केस फोर केस फाइव केस सिक्स एंड केस सेवन इसके अलावा हो सकता है पॉसिबल केस क्या हो सकते हैं मे बी 8 or 9 और सम अदर डिजिट्स तो उस केस में आप परफॉर्म क्या कराओगे डिफॉल्ट मीन्स इनवैलिड तो इस केस में अगेन सेम केस रहेगा strcat कॉपी क्या कराओगे केस थ्री के केस में जस्ट बाइनरी वैल्यू ऑफ 3 0 1 1 देन फाइनली अगेन ब्रेक स्टेटमेंट ये सेम लॉजिक्स बार बार रिपीट होंगे strcat बी ऑफ 100 बाइनरी वैल्यू ऑफ 4 इज 100 देन अगेन ब्रेक स्टेटमेंट नेक्स्ट वन strcat बी कॉमा अरे द बाइनरी वैल्यू ऑफ 5 101 ऑलरेडी मैंने टेबल में मेंशन कर रखा है जिससे आपकी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो नेक्स्ट टाइम 6 strcat बी कॉमा 110 बाइनरी वैल्यू ऑफ 6 इज गिवन देन अगेन ब्रेक नेक्स्ट वन 7th strcat बी कॉमा बाइनरी वैल्यू ऑफ 7 इज 3 times 1 देन ब्रेक स्टेटमेंट फाइनली डिफॉल्ट के केस में जस्ट डिस्प्ले क्या करा लेंगे मैसेज एज इनवैलिड पुट्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट इनवैलिड ऑक्टल डिजिट मैसेज क्या डिस्प्ले करा हुआ इनवैलिड डिजिट और इनवैलिड ऑक्टल डिजिट लाइक दैट एंड फाइनली इस केस में ब्रेक राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है लेकिन इस केस में आप डायरेक्टली कंट्रोमिस आ गया आपको कोई ऑपरेशंस कंटिन्यू करने की जरूरत ही नहीं जैसे ही इनवैलिड डिजिट फाउंड होता है इस केस में कंट्रोल कंसेंट करा रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस और इस केस में अगर इनवैलिड डिजिट फाउंड होता है आप रिटर्न क्या करा हुए एम्प्टी स्ट्रिंग जस्ट रिप्रेजेंट क्या करेगा पोजिशन ऑफ नल क्लोजिंग दिस स्विच स्टेटमेंट क्लोजिंग फॉर लूप स्विच क्लोजिंग फॉर लूप से बार आप रिटर्न क्या करा हुए रिजल्टेंट एरे अगर एवरीथिंग फाइन रहा इस केस में डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ उस केस में रिजल्ट किस एरे में स्टोर करा था बाइनरी एरे में तो इस केस में आप रिटर्न क्या करा हुए सेम बाइनरी एरे बी देन क्लोजिंग दिस फंक्शन क्लियर नेक्स्ट टाइम इसके लिए जस्ट मैं मैनेज क्या कराऊँ मैन फंक्शन तो मैन के लिए कोई स्पेशल ऑपरेशन नहीं मैन कैसा एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस वन इस केस में इनपुट्स में क्या रीड करना है जस्ट वॉइड मैन इनपुट्स में पास क्या करना है ऑक्टल एरे तो ऑक्टल एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट क्रिएट क्या करेंगे कैर स्टार टू एरे क्रिएट करने की जरूरत है इस केस में और सिंगल एरे कैर ऑक्टल एरे ओ इक्वल्स टू वो का मैंने साइज लिया समथिंग 10 देन इसके अलावा आपको रिक्वायर्ड क्या हो कैरेक्टर पॉइंटर क्योंकि पॉइंटर में स्टोर क्या कराएंगे बाइनरी एरे का एड्रेस बिन क्लियर रीडिंग इनपुट्स रीड करने के लिए यूज करो गेट्स ओ ऑक्टल एरे देन इनपुट्स रीड करने के बाद जस्ट आप कॉल क्या कर लोगे बिन इक्वल्स टू ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन फंक्शन सप्लाई क्या करेंगे इनपुट में एस ओ जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट किसमें स्टोर है बिन देन राइट डाउन क्या करेंगे इस प्लेस पर जस्ट पुट्स के थ्रू डिस्प्ले क्या करा लेंगे स्ट्रिंग बिन और बिन में क्या स्टोर है जस्ट बाइनरी रिजल्ट और इक्वेलेंट बाइनरी कन्वर्जन इस लूप को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आई के केस में आई का इनिशियलाइजेशन किससे हुआ जस्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इज 0 देन ए ऑफ जीरो के केस में सॉरी आई का वैल्यू क्या 0 ए ऑफ 0 एरे के अंदर सॉरी नॉट ए ऑफ इट इज ओ ऑफ 0 क्योंकि इस केस में इनपुट एरे का नेम क्या है ऑक्टल ओ ऑफ आई का वैल्यू क्या 0 तो ओ ऑफ 0 में क्या फाउंड हो रहा है डिजिट है 6 फर्स्ट टाइम स्विच के अंदर सप्लाई क्या हो रहा है कैरेक्टर 6 किस केस से मैच हुआ केस 6 इस केस में सारे के सारे लेवल्स किस फॉर्म में कैरेक्टर्स के फॉर्म में नॉट अ डिजिट इस केस में डिजिट राइट मत करना क्योंकि यहाँ आस्की वैल्यू इसका कंपेरिजन परफॉर्म हुआ 6 के केस में जस्ट कॉल क्या हो रहा है strcat तो strcat के अकॉर्डिंग बी के प्लेस पर बी के अंदर जस्ट अपेंड क्या हो जाएगा बी के नल इंडेक्स ऑनवर्ड्स अपेंड क्या हो जाएगा कॉन्क्रीट क्या हुआ इस केस में 110 कैरेक्टर 1 क्योंकि स्ट्रिंग है
स्ट्रिंग के केस में सिंबल्स रिप्रेजेंट किस फॉर्म में, जस्ट कैरेक्टर्स, देन अपन टर्मिनेट किस पे हुआ, नल, बेस्ड ऑन इस strcat फंक्शंस, क्लियर। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या हुआ, i++ के अकॉर्डिंग i का वैल्यू क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, 1। नेक्स्ट टाइम 1 होने के केस में फर्स्ट टाइम आप चेक कर सकते हो 6 का बाइनरी वैल्यू ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है 1, नेक्स्ट टाइम आस की बाइनरी वैल्यू किसके लिए जनरेट होगा 2 के लिए। नेक्स्ट टाइम स्पेस और पास क्या हुआ, एरे के केस में अभी ये लूप कैसा है, ट्रू, क्लियर, कि लूप के अंदर ओएफ आई का वैल्यू क्या पास होगा, नॉन जीरो, कैरेक्टर टू का आस्की वैल्यू क्या है सर, नॉन जीरो, कंडीशन ट्रू, देन सेम वैल्यू किस में पास हो रहा है, स्विच के अंदर पास क्या हो रहा है, आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर टू, इस केस में मैच किससे हुआ, केस टू से, केस टू के केस में अगेन strcat फंक्शन के थ्रू बी के अंदर, बी मीन्स बाइनरी एरे, बाइनरी एरे में अगेन अपेंड क्या हो जाएगा, 0 1 0, क्योंकि होना भी चाहिए था, क्योंकि 2 का बाइनरी क्या होता है 0 1 0 और 6 का बाइनरी क्या था 1 1 0, इसलिए प्रीवियस केस में क्या अपेंड करा है 1 1 0, 2 के केस में अपेंड क्या हुआ 0 1 0 और प्लस 0 1 0 अपेंड किस प्लेस होगा फ्रॉम नल इंडेक्स 0 1 0, स्पेशली याद रखना इस केस में कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराना, परफॉर्म क्या कराना है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, जिससे एवरी टाइम स्ट्रिंग अपेंड कहाँ होगा एंड। नेक्स्ट टाइम अगेन आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और सेकेंड इंडेक्स में क्या फॉर्म हो रहा है जस्ट, नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन किसके लिए, इंडेक्स 2 के लिए, 5 5 का बाइनरी क्या है 101, तो इस केस में नेक्स्ट टाइम एरे के अंदर पास क्या हुआ O of 5 के अंदर लूप का कंडीशन कैसा है ट्रू, स्विच के अंदर भी 5 पास हो रहा है 5 के रिस्पेक्ट में, तो कौन सा केस में मैच होगा इस केस में, केस 5 के अकॉर्डिंग अगेन इस प्लेस पर लास्ट केस में अपेंड क्या हो चुका होगा नल, नेक्स्ट टाइम अगेन नल पोजिशन ऑनवर्ड्स अपेंड क्या हो जाएगा जस्ट 101 1 0 1, देन अगेन ये टर्मिनेट किससे हुआ नल से एवरी टाइम। नेक्स्ट अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 3, आई की वैल्यू 3 होने के केस में थर्ड इंडेक्स में क्या है जस्ट नल, तो इस केस में नेक्स्ट टाइम लूप के अंदर क्या पास होगा नल, नल मीन्स 0 0 के अकॉर्डिंग कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल कहाँ आएगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, जैसे ही कंट्रोल लूप के बाहर सेंड होगा तो इमीडिएटली रिटर्न क्या हो जाएगा बी, बी मीन्स इस एरे का एड्रेस, अगर इसका एड्रेस 100 है तो कॉलिंग प्लेस पर सेंड क्या हुआ 100, इस प्लेस पर 100 के अकॉर्डिंग ये 100 बिन में आने वाले डिस्प्ले क्या हुआ वैल्यू फ्रॉम 100 एड्रेस ऑनवर्ड्स, हाँ 100 एड्रेस ऑनवर्ड्स क्या फाउंड आउटपुट में 1 1 0 0 1 0, आउटपुट क्या प्रिंट हुआ इसका जस्ट सेम स्ट्रिंग विच इज स्टोर्ड इनसाइड बाइनरी एरे बी 1 1 0 देन 0 1 0, नेक्स्ट टाइम अगेन 1 0 1, दिस इज द आउटपुट, क्लियर। इस तरह से सिंपल मैनर्स में आपके लिए कोई भी ऑक्टल नंबर इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल, प्लस इसके इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं हुआ रिजन, आपको अगर जब भी नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज होंगे तो सिंपली से एरे का साइज इंक्रीज कराना है, प्लस लॉजिक्स में आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी, क्लियर।